सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी भी मन भेद नहीं बनने देना चाहिए। जो चीजें गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहाँ सच बोलकर बदतमीज बन जाओ। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो जरूर निकलेगा रास्ता। आज का पंचांग 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 8:16 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:51 से 11:16 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 1:04 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को महानंदा नवमी और दुर्गा अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर राशि 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार, नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको शायद रिश्तेदारों के साथ यात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी बुद्धिमानी से बातचीत करें, इस समय संगीत और फोटोग्राफी में आपकी दिलचस्पी होगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस प्रतिस्पर्धा को साझा करें, आप में लोगों की प्रतिभा को निखारने की क्षमता है। आज बुरी आदतें आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, किंतु आपका समझदार व्यवहार हर मुसीबत से बचाएगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले, इसलिए आप अपने रास्ते को खुद चुनिए। सुकूनदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है, दिनचर्या व्यवस्थित रखें। साथ ही आत्ममनन तथा चिंतन करने से आपको बहुत अधिक मानसिक शांति अनुभव होगी। किसी भी समस्या का हल निकालने में आप सक्षम रहेंगी। कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो आज समाधान मिल सकता है। भविष्य के बारे में विचार करके आपकी चिंता बढ़ेगी। परिस्थितियों को संभालने की क्षमता आप में है, इसीलिए चिंता ना करें। जो बातें आपके नियंत्रण में है उन पर ध्यान दें। आपसे जुड़े लोगों के काम का अवलोकन करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। फिलहाल जो काम प्राप्त हुआ है उन पर भी ध्यान देकर काम का नई शुरुआत करने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ बातचीत करते समय गलत शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। लो बीपी और शुगर के कारण तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखें। सावधानियां, आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें, इसकी वजह से कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती है। साथ ही कुछ पुरानी नकारात्मक बातों की वजह से नजदीकी संबंधों में भी परेशानी आ सकती है, इसीलिए अपने विचारों पर मनन भी करते रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। लाइफ पार्टनर के साथ मधुर संबंध रहेंगे, अपना व्यवहार मधुर बनाकर रखें, वरना प्रेम संबंधों में कुछ खट्टास आ सकती है। किसी साहस भरी यात्रा पर जाने से आप किसी खास के साथ सुनहरे पल बिता सकती हैं। अगर आपका साथी दूर है तब भी फोन, पत्र या अन्य संचार के साधनों के प्रयोग से उसे अपनी चाहत का एहसास दिलाते रहें। धन में घाटा हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। आपका रोमांटिक स्वभाव आसपास के माहौल को भी गुलाबी बना देगा, जिससे आप कुछ उत्तेजक और आनंदित क्षणों को महसूस कर पाएंगी। अपने शारीरिक सुख से पहले अपने साथी के साथ कुछ समय यौन क्रीड़ा में व्यतीत करने से आपका रिश्ता अटूट बनेगा। इस मदहोश करने वाले दिन में बुरी आदतों के बारे में ना सोचें। बात करते हैं करियर की। संचार, प्रदर्शन कला और प्रचार कुछ ऐसे स्रोत है जो आपके व्यापार को फलने फूलने में मदद करेंगे। भविष्य के लिए अपने बजट को संतुलित रखें और नए दृष्टिकोण के लिए तैयार रहें। घरेलू परेशानियां, टूटी हुई खिड़कियां या नल के लीक आदि में धन व्यय हो सकता है। अपने दोस्तों और सहकर्मियों से अच्छे संबंध आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकती हैं। आज पार्टी, ड्रिंक्स और नशे आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए थोड़ा बचें।
समझदारी से काम करना आपको भविष्य में होने वाली कई परेशानियों से बचाएगा। अपने ध्यान को भटकने न दें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं। बिजनेस में नए एग्रीमेंट आर्थिक नजरिए से फायदेमंद रहेंगे। अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए समय बेहतर है। नौकरी पेशे व्यक्तियों का किसी टारगेट को पूरा करने से कंपनी को फायदा होगा। उच्च अधिकारियों द्वारा भी आपको उचित मदद मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। कभी कभी मन में कुछ नकारात्मक विचार हो सकते हैं। स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सेहत का पूरा ख्याल रखें तभी आप अपने जीवन का मजा ले सकती हैं। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी की पूजा आराधना करें और तेल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।